साहब इस महाभारत में अभिमन्यु आया है कि अर्जुन आया है? सबको पराजित करके ये अर्जुन बनकर उसी औद्योगिक क्षेत्र से निकलेगा और इनको जो है नकेल बांध दे इंडस्ट्रीज वाले लोग जो है जो मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, क्यों आप घर आना पसंद किया? आने वाले समय ही बताएगा हिमांशु जी कि मैं कितना खरा उतर रहा हूँ इसमें। कुछ खास वर्ग का कब्जा है यहाँ पर, एक पेन पेपर की लड़ाई है। कोई भी जब कार्यक्रम होता है बड़ी खामोशी के साथ होता है। अजय सिंह ने बैनर पोस्टर होर्डिंग गाड़ियां काफिला क्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे अजय सिंह कि ये घर पे बैठकर ही पेन एंड पेपर पे इंटक को चलाते थे। अरे साहब इलेक्ट्रिक स्टील में इतनी बड़ी घटना घटती है, इंटक का कोई बयान तक नहीं आता, कितना दुखद है। आप था कि 10 दिनों तक लाश को लेकर बैठ के और उसके पति को नॉमिनी को जो है इन्होंने नौकरी दिलाया। कमरे से भी आपको बाहर निकलकर 10 दिन मजदूर की लड़ाई लड़नी होगी और धरना प्रदर्शन देना होगा, घबरा तो नहीं गए सुनकर? अजय सिंह के रहते हुए भी जिला में मजदूर डर रहा है, तो मजदूरों के लिए दुखद है कि अजय सिंह के लिए दुखद? मेरे लिए दुखद है। नहीं देते मजदूर डर रहे हैं राय साहब आपके जिले के? नहीं नहीं लोग डर नहीं रहे हैं। चंद्रगुप्त की तैयारी चाणक्य ने कराई थी, चाणक्य सामने है, अब चंद्रगुप्त कौन होगा बोकारो का इंटक का ये आने वाला समय बताएगा। मजदूरों के शहर बोकारो में ऐसे तो कई यूनियन चलते हैं जिसकी चर्चाएं हर रोज हुआ करती है, लेकिन आपको याद होगा कि आज से चंद साल पहले एक शख्स का पदार्पण हुआ था और उसे इंटक ने जिला अध्यक्ष बनाया था। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अजय सिंह भी हैं, राकेश राय साहब हैं जो इंटक के शुरुआती दौर के सदस्य हैं, और आज ये दोनों महानुभावों ने एक बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। साल के अंतिम समय पर इन दोनों ने एक बॉल पे डबल छक्का मारा है और बियाडा औद्योगिक क्षेत्र जहां पर यूनियन आने से भी घबराती है उस क्षेत्र में अपने लिए एक सेनापति चयन कर लिया है। सिंह साहब हमारे साथ हैं। सिंह साहब इस महाभारत में अभिमन्यु आया है कि अर्जुन आया है? अगर अभिमन्यु आया है तो इस बियाडा क्षेत्र में कहीं मरा तो नहीं जाएगा? चलिए हिमांशु जी, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि आप जिस रवि प्रकाश सिंह जी को देख रहे हैं, ठीक है एमबीए का छात्र रहे हैं और एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो ये इनको अभिमन्यु समझ रहे हैं, और मैं भी इनको अभिमन्यु की तरह ही भेजूँगा इस रणभूमि में, मैं इनको बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में अभिमन्यु की तरह भेजूंगा और इनकी कार्यशैली इनकी क्षमता इतनी बड़ी है अभी हिमांशु जी कि आने वाले समय में सबको पराजित करके ये अर्जुन बनकर उसी औद्योगिक क्षेत्र से निकलेगा। अच्छा राय साहब भी हमारे साथ हैं। राय साहब दो बड़ी खुशखबरी, सुबह उठते के साथ अखबारों के माध्यम से एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली और अखबार पढ़कर जैसे ही घर पहुंचा तो आपका टेलीफोन आता है कि आपने इस बार एक नए प्रतिनिधि का चयन किया है जो बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में सेनापति के रूप में काम करेगा, क्या कारण था? हिमांशु जी आपने देखा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में मिनिमम वेज की लड़ाई में हम लोग कितने लोग सस्पेंड हुए, डिसमिस हुए, तो बोकारो को तो हम लोगों ने संभाल रखा है बोकारो इस्पात संयंत्र को इंटक ने, परंतु ये बियाडा क्षेत्र जो है जहाँ पर छोटी छोटी इकाइयाँ हैं और यहाँ के मजदूर जो हैं त्रस्त हैं, लोगों को मिनिमम वेज तो छोड़िए बोनस छोड़िए, मैंने मानवता को ही जो है वो नीचे गिरा करके लोग काम करें, जो 12 घंटा और 16 घंटे लोग काम कराते हैं, कोई सुरक्षा का ख्याल नहीं, हमेशा एक्सीडेंट और हादसा यहाँ होता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जिलाध्यक्ष जी से इस पर जिक्र किया कि हमको एक दमदार ईमानदार पढ़ा लिखा और जानकार ऐसा एक अध्यक्ष चाहिए जो लिखे पढ़े और इनको जो है नकेल बांध दे इंडस्ट्रीज वाले लोग जो है जो मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों को बड़ा भाग्य था कि एमबीए किए हुए जो देश नहीं विदेशों तक जो है इन्होंने अपना अध्ययन किया है, वहाँ कार्य किया है और एक अनुभव प्राप्त किया है, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में रवि प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित ही मजदूरों को न्याय मिलेगा, मिनिमम वेज ही नहीं मिलेगा उनको न्याय भी मिलेगा। अच्छा हमारे साथ रवि जी भी है। रवि जी इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद लोग विदेश जाना पसंद करते हैं, क्यों आप घर आना पसंद किया? नमस्ते, आपके चैनल के द्वारा और जो भी देखने वाले दर्शक हैं सबको नमस्कार और मजदूरों भाइयों को स्पेशल नमस्कार।
जैसा कि हिमांशु भाई ने बताया आप सभी को, पढ़ाई करने के 20 साल के अंतराल के बाद मुझे शुरू से ये लग रहा था कि वापस आना है, बोकारो की धरती में वापस आना है और यहाँ के जो भी मैंने बाहर सीखा है उसे वापस लौटाना है। बीच में कुछ ऐसा 6-7 महीने पहले जिलाध्यक्ष, इंटक जिला अध्यक्ष अद्दत सिंह जी से, अजय सिंह जी से मुलाकात हुई। उनकी स्पोर्ट्समैनशिप और उनका कार्यशैली का तरीका, नेतृत्व का तरीका देख के मैं इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित हुआ कि मुझे भी लगा नहीं, जिस तरीके से उन्होंने अपने कार्यशैली और सब तरीकों को ग्राउंड में उतारा है। उन्होंने मुझे कुछ दिनों तक समझाया और बोला कि आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, तभी मैंने सोचा कि इंटक का एक छोटा सा रोल लेके मुझे आगे बढ़ना चाहिए और आज ये मेरे लिए बड़ा गौरव का दिन और मेरे लिए बड़ा दायित्व का दिन है कि इन्होंने जैसे अजय जी और बड़े भैया राकेश सिंह जी, राकेश राय जी जो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, आने वाले समय ही बताएगा हिमांशु जी कि मैं कितना खरा उतर रहा हूँ इसमें। अच्छा, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आपको अध्यक्ष बनाया गया है, कहा जाता है कुछ खास वर्ग का कब्जा है यहाँ पर, इस कब्जा को कैसे तोड़ पाएंगे? हमें बहुत ही प्लान करके कोई काम करना पड़ेगा। हम किसी उग्र प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते। ये इंटक एक पेन पेपर की लड़ाई है और बहुत ही नियम के साथ हमें, और बहुत ही दस्तावेज और बहुत ही सही मांगों के साथ, जो जायज़ मांग है वो मैनेजमेंट के सामने रखना पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी मैनेजमेंट एक, क्योंकि लेबर, कोई भी श्रम एक बड़े उद्योग की पूंजी होती है, ना कि पैसा। तो कोई भी मैनेजमेंट इसे ना नकारेगा कि कोई श्रम उससे दुखी रहे। मैसी विश्वास को, मैसी भरोसे को मैनेजमेंट के द्वारा जागने की कोशिश करूंगा। अच्छा, देखिए हमारे साथ अजय सिंह भी है। सिंह साहब, एक चीज़ जरूर जानना चाहूंगा कि जो इंटक है, चाहे यूनियन का कोई भी जब कार्यक्रम होता है, बड़ी खामोशी के साथ होता है। अजय सिंह ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, गाड़ियाँ, काफिला, क्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे अजय सिंह? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने इंटक का प्रचार प्रसार इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि पहले जो इंटक हुआ करती थी, जैसे हम लोगों को मालूमात है और यहाँ के लोगों का, कि ये घर पे बैठकर ही पेन एंड पेपर पे इंटक को चलाते थे। लेकिन हमने ये प्रण लिया है और हमने अध्यक्ष जी से परमिशन लिया है कि मैं इंटक को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाऊंगा। उसी क्रम में हमने ये जो आज बैनर, होर्डिंग, पोस्टर आप देख रहे हैं कि यहाँ इंटक दस्तक दे दिया है औद्योगिक क्षेत्र में, इससे पहले आप कभी नहीं देखे होंगे इंटक का कोई बैनर, पोस्टर या कुछ इस तरह का कार्यक्रम। लेकिन आशा करते हैं कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, प्रदेश के आप नेता हैं, आपके जब भी बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें स्टेज से करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। राय साहब, इलेक्ट्रिक स्टील में इतनी बड़ी घटना घटती है, इंटक का कोई बयान तक नहीं आता, कितना दुखद है, आप तो इसी जिले से। जी निश्चित ही, आपने देखा है कि इलेक्ट्रो स्टील वेदांता जो खुला है, अभी जिलाध्यक्ष जी कमान संभाले हुए एक साल भी नहीं हुआ है, और आपने देखा कि बोकारो स्टील में एक ऐसा था भगवान दास वाला जो कांड था कि 10 दिनों तक लाश को लेकर बैठ के और उसके नॉमिनी को जो है इन्होंने नौकरी दिलाया। इसका अगला स्टेप जो है उधर की ओर ही है। चंदन क्यारी के लोग जो है कई एक बार जिलाध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और इससे हम लोग आग देना चाहते हैं कि अगली जो कदम है, अगला कदम जो है वो इलेक्ट्रो स्टील की हो रही है और निश्चित ही उसका आदमी मिलेगा। तो सुना ना आपने, एसी कमरे से भी आपको बाहर निकलकर 10 दिन मजदूर की लड़ाई लड़नी होगी और धरना प्रदर्शन देना होगा, घबरा तो नहीं गए सुनकर? नहीं नहीं बिल्कुल, ये आने वाले समय में हिमांशु जी आप जरूर मुझे देखेंगे, जहाँ जहाँ मजदूरों की, भाइयों की आवाज़ आएगी, जहाँ जहाँ उनका डिमांड रहेगा वहाँ मैं ऑलवेज प्रेजेंट रहूँगा 24/7। अच्छा सिंह साहब से पूछते हैं, एसी कमरे के लोगों को तो बाहर ले आ रहे हैं सिंह साहब, लेकिन खुद इलेक्ट्रोस्टील नहीं पहुँच पा रहे हैं, स्टेज पे तो आपके नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें बता दी है। नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है हिमांशु जी, जब ये घटना हो गई घटी तो हम थोड़ा बाहर थे, हम बोकारो में नहीं थे, हम और भाईचुंग भुटिया साहब हम लोग एक कार्यक्रम में गए हुए थे, लेकिन बहुत ही दुखद घटना घटी है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वेदांता स्टील जो है अपने वर्करों को इतना डरा के रखा हुआ है, हम लोग वहाँ पर अभी तक 4-5 मीटिंग कर चुके हैं लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं हो रहा, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए आज इतना बड़ा हादसा हो गया, इसके जिम्मेवार कौन है? अजय सिंह के रहते हुए भी जिला में मजदूर डर रहा है, तो मजदूरों के लिए दुखद है कि अजय सिंह के लिए दुखद है? मेरे लिए दुखद है।
मेरे लिए दुखद है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इंटक आपके दरवाजे चलकर आ रहा है, आपके न्याय की बात करने के, आपके आपकी हकूक की लड़ाई की बात करने आ रहा है, लेकिन ये लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या एक मजबूरी है उनके साथ, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन है या कुछ ऐसा है। देश के नेताओं से सलाह नहीं लेते, जिला में रहते राकेश राय साहब, सलाह नहीं देते, मजदूर डर रहे हैं राय साहब आपके जिले के। नहीं नहीं, लोग डर नहीं रहे हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रो स्टील के बाद आपने देखा कि वो वेदांता की ओर गया, फिर उन्होंने फ्लैश कर दिया कि हम लॉस में जा रहे हैं, वो भी बेचने की प्रक्रिया कर रहे थे। ये सब करके मजदूरों को डरा रहे हैं कि आप अगर जो करेंगे तो हम फैक्ट्री ही बंद कर देंगे। लेकिन नहीं जानते कि एक दूसरे का पूरक है, पूंजी आपका है और श्रम उसका है, और चंदन क्यारी का अपना इतिहास है। निश्चित ही है कि अजय सिंह जी जब से आए हैं, इन्होंने कहा कि 2-3 मीटिंग किए हैं, अगला जो है कदम वहीं पर है, और निश्चित ही मजदूर जो है इस बात को जान रहे हैं कि बोकारो स्टील के बाद बियाडा और बियाडा के बाद अगला जो है वेदांता स्टील हम लोगों का टारगेट है। तो सुना ना आपने, चंद्रगुप्त की तैयारी चाणक्य ने कराई थी, चाणक्य सामने है, अब चंद्रगुप्त कौन होगा बोकारो का इंटक का ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सिंह साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस महाभारत में अर्जुन जाए चाहे ना जाए, अभिमन्यु को भेज रहा हूँ, लेकिन ये अभिमन्यु महाभारत की अभिमन्यु की तरह मारा नहीं जाएगा। ये आने वाला समय बताएगा कि सिंह साहब का जो अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह में फंस जाएगा कि बोकारो की राजनीति, बोकारो के मजदूरों की राजनीति में आगे निकल कर आएगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी वांशु, बालीडी उद्योगी से।